आदाब नमस्कार दोस्तों, आप इस बात को सुनने के बाद से डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये दलाली नहीं है। फिल्मी दुनिया के सितारों को मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि इन लोगों को राजनीति में मौका देना देश के साथ गद्दारी है, खतरनाक है, क्योंकि ये कलाकार हैं, इनको कलाकारी करने दीजिए। इनका जब इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाएगा, लिया जाएगा, तो ये देश के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी होगा। ये बात है मई 2011 और 12 की, जब दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन जैसे लोग और अक्षय कुमार जैसे लोगों ने ट्वीट किया था कि पेट्रोल के बढ़ते दाम की वजह से वे परेशान है, वो घर नहीं जा सक रहे क्योंकि पूरी मुंबई लाइन में लगी हुई है पेट्रोल के। तो मेरा ये सवाल है, आज जबकि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम जो प्रति बैरल $35 है, इसके बावजूद भी हमारे देश में दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी देशों में हमसे आधे दाम पे पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं, पाकिस्तान में, बंगाल में, बांग्लादेश में, इसके बावजूद भी किसी की जबान नहीं खुल रही है। तो क्या ये दलाली नहीं है तो क्या है? आप ही डिसाइड करके बताइए। धन्यवाद।